60 साल हो गए यहाँ पे, 20 साल पहले उधर काम करते थे पाकिस्तान में। ये पूरे इंडिया में ऐसा तड़का कोई नहीं लगाया। गाइस आज हम आए हैं जलंधर में आप सभी को मिलवाने दो भाइयों के एक ऐसी जोड़ी से जो बनाती है तंदूरी दाल। हाँ जी, ये दाल लगभग 100 सालों से ऐसे ही बनती चली आ रही है, तो मिलवाते हैं दो भाइयों की जोड़ी से। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है जी। 80 साल हो गए यहाँ पे, 20 साल पहले उधर काम करते थे पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब दाल बनानी शुरू करी थी। आपकी दाल में मतलब ऐसा यूनिक क्या है कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? मसाले डालते हैं और देसी घी से फ्राई करते हैं तंदूर में। तंदूर में? पहले भाई जो थे हमने आपको दिखा दिए, ठीक है, ये है दूसरे भाई। कैसे हो? तो यहाँ पे हमारी दाल बनाई जा रही है, तो एक बार हमें दाल दिखाएंगे? तो गाइस ये है हमारी दाल, और भाई पूरी गाड़ी मतलब फुल, मतलब इसमें राजमा भी है, दाल मतलब पूरी बनाई जा रही है। यहाँ हमारे डाले गए हैं प्याज, और ये अंकल जी देसी घी। हाँ जी, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे देसी घी में बनाई जाती है। और ये गाइस जा चुके हैं, जो हमारा घी है और जो प्याज है वो जा चुके हैं तंदूर में। ये पूरे इंडिया में ऐसा तड़का कोई नहीं लगाया। टाइम लगता है ना इसको बनाने में। तो गाइस यहाँ जो हमारे दाल का जिसमें तड़का लगाया जाएगा वो ये आ चुके हैं, ठीक है, देसी घी, फुल देसी घी और प्याज। और यहाँ भाई आ चुकी है लाल मिर्च, और यहाँ हमारे जो टमाटर की चटनी है और थोड़ी सी प्यूरी है वो आ चुकी है। भाई यहाँ पे डाली जा रही है दाल, और भाई दाल का एक बारी तुम कलर देखो, जैसे ट्रेडिशनल दाल होती थी ना पहले के टाइम में, और ये जा चुके हैं इसमें। मतलब दाल को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया है। यहाँ जो हमारी दाल है भाई फ्राई हो चुकी है, मतलब फुल जो देसी स्टाइल में, और भाई घी अलग से ही तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये जो हमारा यहाँ पे अब अंकल जी लगा रहे लच्छा पराठा है ना अंकल जी? हाँ जी। ये मतलब फुल फोल्ड करके, मतलब फुल स्विंग सा करके यहाँ पे गाइस हमारा लच्छा पराठा जो है वो बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कितनी बार टर्न, और ये भाई मतलब फुल देसी स्टाइल में पूरा पीट के अच्छी तरह से लच्छा पराठा बनाया जा रहा है ना अंकल। ये जो हमारा परोठा है लच्छा परोठा वो हो चुका है तैयार। तो अंकल जी देसी घी लगाया जाएगा इस पर? मतलब पहले भी देसी घी में सेका गया था, अब पूरा देसी घी में डिबो डिबो के खिलाया जाएगा। और भाई तुम एक बारी देसी घी देख सकते हो, मतलब जो गांव के लोग हैं ना उन्हें तो भाई स्पेशली पसंद आने वाला है। तो गाइस यहां आ चुकी है हमारी ट्रेडिशनल दाल, मतलब ये 80 सालों से ऐसे ही बनती आ रही है, और मतलब देग में, पीतल के देग में, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी ये ट्रेडिशनल मतलब कल्चरल जो है वो हमारी दाल होने वाली है। और भाई ये है हमारा लच्छा पराठा, और ये भाई देख सकते हो मतलब फुल देसी घी, अंकल ने 2 चम्मच भाई स्पेशल देसी घी डाला है इसमें, ठीक है, देसी घी में ही तंदूर के अंदर गई थी, उसके बाद भी देसी घी डाला गया। और ये जो हमारा नींबू का अचार है ना, ये स्पेशल जो है हमारे बर्तनों में रखा जाता है जो होते हैं मिट्टी के, तो अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। और भाई फुल देसी घी, ये तुम देसी घी भी देख सकते हो एक बार भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई, जो दाल है ना नेक्स्ट लेवल दाल है, ठीक है। ऐसी दाल अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी घर पे भी नहीं खाई, और देसी घी में बनाई हुई है तो टेस्ट इसका जो है 10x हो जाता है, टेस्ट अल्टीमेट है। आप यहाँ पे आइए, टेस्ट करिए, कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर बताइएगा कि आपको जो ये दाल है जो ट्रेडिशनल वे में बनाई जाती है कैसी लगी, और अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू अंकल जी। एक बार आप एड्रेस बता दीजिए। नोरिया बाजार, पुरानी सब्जी मंडी चौक, नज़दीक छोटी जिले।